हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिपटेक। पहले ये देख लीजिए, मैंने दो वीडियो डाले हैं अभी तक मेरे चैनल पे, और दोनों वीडियो में फ़र्क क्या है। ये दोनों वीडियो जो है और यहाँ पे फ़र्क क्या है। जो मेरा पहला वीडियो था वो 4 दिन पहले मैंने डाला था, और ये जो है वो 1 दिन पहले की डाली हुई है। इनमें से दोनों में फ़र्क ये है कि जो पहले डाली गई थी उन पर एक अच्छी सी थंबनेल है, जो कि आप देखने के बाद वीडियो के बारे में जान सकते हैं कि इस वीडियो में है क्या, मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन वो जो दूसरी वाला है, वो जो रिसेंटली मैंने अपलोड किए हैं, उन पे थंबनेल को देख के कोई कुछ पता नहीं कर सकता कि उनमें है क्या। सिर्फ उनके जो टाइटल्स है उन पे अगर कोई फोकस करेगा तो जान सकता है मैं वीडियो में क्या बोलने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर भी यूट्यूब इस वीडियो को आपके व्यूज के और कोई इंडिविजुअल या स्पेशल यूनिक व्यूज के सामने ले जाता है, तो यहाँ पे जो क्लिक थ्रू रेट यानी सीटीआर जो है वो बहुत कम रहता है। आपको पता है 5% से कम सीटीआर रहने वाला वीडियो वो ज़्यादा इम्प्रेशंस पे नहीं जाता है, यूट्यूब नहीं डालता है उनका ज़्यादा इम्प्रेशंस। तो इम्प्रेशन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसी अच्छी एक थंबनेल डालने पड़ेगा। तो थंबनेल कैसे बनाते हैं वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन थंबनेल डालेंगे कैसे, अगर आपके पास थंबनेल है, अगर आप अभी तक भी थंबनेल बना सकते हैं तो कैसे डालते हैं इससे थंबनेल्स, कस्टमाइज्ड थंबनेल्स, वो आज वीडियो में बताने वाले हूँ। तो देखते रहिए पूरी थंबनेल की वीडियो कैसे डालते हैं। पहले मैं दो तरीके बताने वाला हूँ कि पहला वाला और दूसरा वाला, आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं। तो पहले वाले पे चलते हैं। आप कोई भी ब्राउजर पे चले जाइए, मैं यहाँ पे और जाइए, कोई टैब ऑन कर ले, मैं यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ YouTube, ओके और हम जा रहे हैं YouTube में। ये क्या है, ये गूगल की YouTube है। तो साथ में हम चलते हैं, क्या करते हैं उसको कर देते हैं, इनके जो डेस्कटॉप साइट इनको कर देते हैं। आगे हम YouTube पे, और YouTube पे आगे आने के बाद आपके जो राइट साइड कॉर्नर टॉप कॉर्नर पे लिखा रहा है साइन इन। अब ये आपको करना क्या है, आपको एक अकाउंट चूज करना है। अकाउंट कैसे चूज करेंगे, आप आपके जिस मेल आईडी से, जीमेल आईडी से आपकी चैनल है वो वाला आप सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा बिपटेक है, मैं बिपटेक चूज कर रहा हूँ, और आप डाल दीजिए उन पर यहाँ पे अपनी पासवर्ड डाल लीजिए आप। मैंने अपना पासवर्ड डाल लिया है और कर देंगे अब नेक्स्ट। तो यहाँ पे आगे हम अपने डैशबोर्ड, जो यूट्यूब डैशबोर्ड है वहाँ पे आ गए, होम पे आ गए, और यहाँ पे करना क्या है, आपको जाना है यूट्यूब के राइट साइड टॉप कॉर्नर पे। यहाँ पे आपकी चैनल की जो लोगो है वो दिखा रहा है, आप डिजिटल पिक्चर जो भी रखते हैं वो दिखता है, और यहाँ पे करना है क्लिक आपको। और क्या आता है, योर चैनल पर्चेज एंड मेंबरशिप यूट्यूब स्टूडियो स्विच अकाउंट साइन आउट। यहाँ पे आपको जाना है यूट्यूब स्टूडियो पे, यूट्यूब स्टूडियो पे जाइए। हम यहाँ पे अपने यूट्यूब स्टूडियो पे आ गए। तो यूट्यूब स्टूडियो के आने के बाद आपको करना क्या है, आपके जो वीडियोस सारे हैं वो दिखा रहे हैं। देखिए लेफ्ट साइड कॉर्नर पे 3 बार पे क्या लिखा है, डैशबोर्ड कंटेंट्स प्लेलिस्ट एनालिटिक्स कमेंट्स सबटाइटल्स कॉपीराइट मोनेटाइजेशन कस्टमाइजेशन ऑडियो लाइब्रेरी। आपको सिर्फ जाना है कि यहाँ पे आपके जो वीडियोस हैं, तो जिस वीडियो पे आप डालना चाहते हैं थंबनेल उस वीडियो का टाइटल जो है वहाँ पे कर लीजिए टच। तो ऐसे टूल्स निकल के आता है, ऐसे इंटरफेस मिलता है आपको। यहाँ पे जो पेन टूल है उसे चूज कर लेना है। तो आ गया आपके स्क्रीन पे, ये जो है वो एडिट ऑप्शन है, वहाँ पे आप कुछ भी जो आपके टाइटल्स हैं डिस्क्रिप्शन से डाल सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे लिखा है थंबनेल, मैं दिखा देता हूँ जूम करके।
यहाँ पे थंबनेल और अपलोड थंबनेल, ये जो अपलोड थंबनेल लिखा है ये वाला, तो यही होता है जो आपके कॉस्ट्यूम थंबनेल। आपको करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे टच करना है और यहाँ पे चूजन एक्शन पे फाइल्स और कैमरा पे चूज करना है कि कैमरा के थ्रू आप क्लिक करके रखें तो भी रख सकते हैं। तो मेरा जो थंबनेल है वो फाइल पे है तो मैं उसे ब्राउज करके ले आता हूँ। और क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ करना है सेव। कैसे, यहाँ पे जो राइट साइड टॉप कॉर्नर के नीचे वो है सेव, इसे दबा लाना है। वो हो गया, अभी प्रोसेसिंग है, चालू है प्रोसेसिंग, तो देखते क्या होता है। यहाँ पे चेंज हो गया। दूसरी प्रोसेस के लिए हमको जाना पड़ेगा YouTube स्टूडियो पे, जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर। YouTube स्टूडियो पे जाने के बाद आप यहाँ पे अपनी अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे दिखा रहा है क्या लिखा है, यहाँ पे थ्री बार पे डैशबोर्ड वीडियोस प्लेलिस्ट कमेंट्स एंड एनालिटिक्स, यहाँ पे आपकी चैनल की एनालिटिक्स आप देख सकते हैं। वो जो है वो काफ़ी ईजी रहता है। मैंने जो चेंज किया हुआ था वो ये रहा, हाउ टू अपलोड थंबनेल, हो गया। तो डालते हैं यहाँ पे जो है, मैंने ये डाल दिया था इस वीडियो की थंबनेल जो मैंने पहले प्रिपेयर करके रखे थे, क्योंकि जो फाइनल होगा वो सेकंड इस वीडियो में होगा, क्योंकि मैं दो ट्रिक बताने वाला था ना, तो ये दूसरी वाला है। तो इसलिए ही जो है हाउ टू वेरीफाई यूट्यूब चैनल, ये जो टॉपिक है वो थंबनेल है, इस टॉपिक पे जो शूट करता है वो अभी मैं डालूंगा। कैसे, आपको जाना है इस वीडियो पे और देखिए यहाँ पे इस थंबनेल के ऊपर ऊपर क्या है, यहाँ पे है बैक जाने के ऑप्शन, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे शेयर बटन के पास में यूट्यूब की लोगो है और पास में एक पेन किट है, पेन टूल है, वो पेन टूल को आप टच कर लीजिए। और थंबनेल के ऊपर क्या आ गया, पेन आ गया, वो पेन को क्लिक करने के बाद ऐसे इंटरफेस निकल के आता है। आपको क्या डालना है यहाँ पे, कॉस्ट्यूम थंबनेल, आपको ये तो डालना है। तो आप कॉस्ट्यूम थंबनेल जो आपके तो आप कॉस्ट्यूम थंबनेल जो है आपके फोन में आप उसे सिलेक्ट करेंगे। कैसे, यहाँ पे एड ऑप्शन दिखा रहे हैं, प्लस आइकन, आप यहाँ पे प्लस कर लेंगे। मैंने ये, मैं ये लगाने वाला हूँ क्योंकि जो टॉपिक है वो वेरीफाई यूट्यूब चैनल के, इसलिए मैं ये लगाऊंगा। तो आप, मैंने कर लिया है सिलेक्ट और यहाँ पे कलना इसे सिलेक्ट राइट साइड पे और आ गया वेरीफाई यूट्यूब चैनल। हाउ टू, टाइटल क्या लिखा है, हाउ टू वेरीफाई योर यूट्यूब चैनल हिंदी, और जो है वो कॉन्ट नोट्स वो लिखा हुआ है। और कर लेंगे इसे राइट साइड टॉप कॉर्नर पे जो है यहाँ पे कर लेंगे सेव। अभी ये जो थंबनेल है वो पब्लिश होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, ऐसे कि मतलब 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है। तो आप चेक करने के लिए जा सकते हैं अपनी YouTube चैनल पे और वहाँ पे चेक कर सकते हैं हाउ टू वेरीफाई यूट्यूब। ये अभी अभी हाल में हो गया, सडन हो गया है। ठीक है, ऐसे वीडियोज़ के लिए देखते रहिए बिटटेक, मिलते हैं मेरे अगली वीडियो।